जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने काफ़ी सारे मेयरमेंट्स के बारे में पढ़ा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हमने स्टडी की। तो अब जो हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं वो है कि मेयरमेंट होती कैसे है। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स का मालूम होना चाहिए। मेयरिंग क्वांटिटीज़ का हमने पढ़ा, लेकिन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे मेयरमेंट होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सी मेयरमेंट जो हम सब बेसिक स्कूल में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मीटर रूल। मीटर रूल जो है, आप ये देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि हमारे पास एक मीटर रॉड है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक पूरा 1 मीटर का स्केल है जिस पे हमारे पास डिफरेंट डिवीजन्स दी गई हैं। ये जितनी भी डिवीजन्स हैं ये कहाँ से हैं, अप टू 1 to 100 centimeters, ठीक है। 1 मीटर में कितने आ गए, 100 centimeters, ठीक है। तो मीटर रॉड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो कोई से भी जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच की मेजरमेंट के लिए हमारे पास मीटर रॉड इस्तेमाल होता है। तो अब जो उनसे है, हमने बता दिया कि एक मीटर जो है हमारे पास 1 मीटर, उसमें कितने सेंटीमीटर्स हैं, अराउंड 100 सेंटीमीटर अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके बारे में बताया कि ये कैसे मेयरमेंट में इस्तेमाल होता है। तो इससे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस मेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस हम कितने, मतलब क्वेश्चन है कि कितने हम इसको, कितने जो लीस्ट मेयरमेंट है इसे हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये जो आपको यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट जो आपको यहाँ पे एक सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, 1 मीटर का, तो ये जो है बेसिकली ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यहाँ पे डिवीजन आती है एक, ये है 1 मिलीमीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर में हमारे पास कितनी स्मॉल डिवीजन्स होती हैं, 10 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। और वो 10 स्मॉल डिवीजन्स क्या होती हैं, वो मिलीमीटर की डिवीजन्स होती हैं। हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, और हर सेंटीमीटर में हमारे पास कितनी है, स्मॉल 10 डिवीजन्स हैं, और वो स्मॉल 10 डिवीजन्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो मिलीमीटर की स्मॉल डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो अब यानी अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल डिवीजन्स मिलीमीटर की, यानी 10 मिलीमीटर है, तो हमारा जो लीस्ट काउंट है, यानी कि हम सबसे जो छोटी क्वांटिटी हम मीटर रूल से मेयर कर सकते हैं, वो कितनी है, द 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो कि हम मीटर रूल को यूज़ करके मेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या चीज़ हुई कि ये जो 1 मिलीमीटर है वो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, यानी कि लीस्ट मीन सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम जो मेयर कर सकते हैं वो मीटर रूल से क्या है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो मीटर रूल का जो सा है डेली हम लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेयरमेंट्स में, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये हेल्पफुल है, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं फॉर वेरियस मेयरमेंट्स, ठीक है। तो फर्दर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, द मेयरिंग टेप, ठीक है। मेयरिंग टेप जो है वो काफ़ी हद तक जो है हमारे पास मीटर रूल से मिलता जुलता है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं। तो जो मेयरिंग टेप है बेसिकली है, हम इनको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लैक स्मिथ्स और कारपेंटर्स हैं, ये क्या करते हैं, इसको अपने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ वर्क में अपने मेयरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थिन किस्म की लॉन्ग सी स्ट्रिप होती है कॉटन की, और ये कुछ ऐसे भी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप इजीली फोल्डेबल होती है, इजीली जो है ये जो है फोल्ड अप हो जाती है, उसको इजी है बहुत यूज़ करना, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, 10 मीटर्स, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर तक ये लॉन्ग होती है, ठीक है, यानी इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मीटर रूल, ठीक है। और इसका एक चीज़ ये है कि इसमें हम क्या चीज़ मेयर कर सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर्स में और इंचज में, दो पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। हम इसमें इंचज़ भी मेयर कर सकते हैं और इसमें हम सेंटीमीटर्स को भी मेयर कर सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो
मेयरिंग टेप जोन सा है, ये आप लोगों ने बहुत सारे वर्कर्स को जो के इलेक्ट्रिशियंस होते हैं और इस तरह से जो घर बनाते हैं और कारपेंटर्स और इस तरह से मुख्तलिफ जो प्रैक्टिकली जो फर्नीचर का काम करते हैं और सब, उनको आप यूज़ करते हैं उसको देखा होगा कि इंचेस सेंटीमीटर्स जो है वो थोड़ा स्मॉल यूनिट है, इंचेस जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन मेयरमेंट बाय वर्कर्स. ठीक है.